वालेकुम जी, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हेयर्स के ऊपर। जैसे कि हमारे हेयर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं और रूखे हो जाते हैं, तो इवन के आजकल का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उस वजह से हमारे हेयर्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और हमारी स्किन पे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो पोल्यूशन की वजह से, तो हमारे जो और वेदर चेंज होने की वजह से हमारे हेयर्स और स्किन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे और शाइनी हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ वो प्रोडक्ट शेयर करी जाए ताकि आप लोगों की भी किसी की हेल्प हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें क्लिक ताकि आप लोग मेरी न्यू आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आप लोगों को वीडियोज़ कैसी लगी। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही थी वो है लेवॉन का हेयर सीरम। मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे व्यूअर्स जो है ना उन लोगों ने भी यूज़ किया हुआ। अगर आप लोगों ने यूज़ किया हुआ तो कमेंट सेक्शन में रिव्यू ज़रूर दिएगा ताकि न्यू यूज़ करने वालों के लिए भी हेल्प हो सके। अच्छा, तो ये ब्रांड क्लेम करता है कि ये हमारे डैमेज हेयर्स को रिपेयर करता है और डिटेंगल वगैरह हो जाती हैं, जैसे उलझ जाते हैं बाल, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ईज आउट कर देता है। और हमारे डैमेज हेयर होते हैं लाइक जैसे बाल वगैरह टूट रहे होते हैं वो हमारा कंट्रोल करता है। अच्छा, इस वाले हेयर सीरम में विटामिन ई जो है वो रिच क्वांटिटी में ऐड है, और विटामिन ई जो होता है वो हमारे हेयर्स के लिए और हमारी स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके अलावा अगर आप लोग अपने हेयर्स पे कोई भी केमिकल वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लोग विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं वो अपने थोड़े से जो गीले गीले से बाल होते हैं ना उस पर यूज़ कर सकते हैं। इवन कि अगर आप लोग लेवॉन का ही हेयर सीरम यूज़ करें तो आप लोग, ये हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो अभी तक इसको यूज़ किया है तो मुझे ऐसा कोई भी नेगेटिव उस पर कमेंट नेगेटिव इसमें कोई भी चीज़ नहीं लगी, क्योंकि इसने मेरे हेयर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से सिल्की करा है, सॉफ्ट करा है, और जो टूट वगैरह रहता है उसको कंट्रोल किया है मेरे बालों को। और साथ ही साथ मुझे इसमें कोई भी नेगेटिव कमेंट जो है ना मतलब नहीं लगा, नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगी इसमें। अच्छा, तो इसको मैं अभी आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देती हूँ। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिया की प्रोडक्ट है, लेवॉन का हेयर सीरम जो है ये इंडिया का प्रोडक्ट है। इसमें 250 लिखा हुआ था, पाकिस्तान में आपको 350 से 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। मुझे जो है ये सीरम 500 रुपीज़ का मिला। इसकी बड़ी वाली भी बॉटल आती है जो कि आई गेस आप लोगों को 800-900 समथिंग की मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास जो ये प्रोडक्ट है ये अभी छोटी वाली इसकी सीरम है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करने के लिए लिया था। इंशाल्लाह मैं इसकी बड़ी वाली बॉटल भी ज़रूर बाय करूँगी मुझे मिली तो, क्योंकि मैंने जहाँ से पूछी थी ना मुझे छोटी ही मिल रही थी। और ओपन करने के बाद ये लेवॉन का हेयर सीरम जो है वो कुछ इस टाइप का है। ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं इसके यूजेस आप लोगों को बता देती हूँ कि इसको लेवॉन के हेयर सीरम को यूज़ कैसे करना है। लेवॉन के हेयर सीरम का आपको यूज़ ऐसे करना है कि आप लोगों के बाल थोड़े से डैम हो, मतलब कि थोड़े से गीले बाल हों, ऐसे ना हो कि खुशक हों बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा गीले और होंगे, पानी गिर रहा हो, मतलब बीच के आपके हेयर्स हों। और इसको जो है आप लोगों को क्वांटिटी जो लेनी है वो अपने बालों के लेंथ के लिहाज से लेनी है। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग अपने रूट्स पे लगाएं, क्योंकि ये भी एक तरह का केमिकल ही है। तो आप लोगों ने अपने जो बालों के लेंथ है ना उस पे लगाने हैं, जैसे कि हम लोग कंडीशनर को जो है वो अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मली आप लोगों ने जो है इसकी बॉटल को ओपन करना है और अपने लेंथ के लिहाज से जो है थोड़ा सा आप लोगों ने जो है लेवॉन का हेयर सीरम लेना है और इसको अच्छे से जो है वो रब करना है और अपने बालों के लेंथ पे जो है वो अच्छे से लगा देना है। लाइक जिस तरीकों से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ऐसे आप लोगों ने स्ट्रेट करके करने, ताकि आप लोगों के जो बाल होंगे ना इसके लेवॉन के हेयर सीरम से काफ़ी स्ट्रेट भी हो जाएंगे। मुझे महसूस हुआ था, मेरी सिस्टर के जो है वो थोड़े से कर्ली हेयर्स हैं तो उसने यूज करा हुआ था, तो जो है उसने जो है ना लाइक इसको यूं करके यूज करा था, तो उसके बाल जो है ना काफ़ी हद तक स्ट्रेट भी हो गए थे और रिजल्ट जो है ना ये फ़ौरन देता है। तो मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि इतनी अच्छे प्राइस में आप लोगों को इतनी अच्छी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मिल रही है। अच्छा, ये वाली जो बॉटल है ना ये मेरी दूसरी बॉटल है, क्योंकि आधी जो है जब मैंने जो यूज़ कर ली थी वो मेरे हाथ से गिर गई थी, तो सारी जो है ना वो प्रोडक्ट जो है वेस्ट हो गई थी, तो फिर मैं दूसरी लेकर आई हूँ और फिर जो है ना मैंने इसके रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि इसके जो अगर टेक्स्चर की बात कर लें तो टेक्स्चर जो है बहुत ज़्यादा इसका लाइट वेट है, फ़ौरन से आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्रीसी महसूस नहीं होता बिल्कुल भी, आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप लोगों ने कोई लगाया हुआ है, बहुत ही लाइट वेट है लेवॉन के हेयर सीरम का। तो अच्छा है, रिकमेंडेड है, ज़रूर इस्तेमाल करें। आई होप आप लोगों को रिव्यू जो है वो पसंद आया हो। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को रिव्यू पसंद आया हो तो यार सब्सक्राइब आप लोगों ने जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, यहाँ पर अकाउंट में आप लोगों को शो कर दूंगी, सब्सक्राइब जरूर करना है यार, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप लोगों को किस चीज़ पर रिव्यू चाहिए, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं इंशाल्लाह जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगी। और बहुत सारे प्रोडक्ट पे जो है बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो आप लोगों के साथ आने वाला है, तो ज्वाइन जरूर कर लें मुझे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।